इमेजिन करो कि आप किसी सफर पर जा रहे हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाए और मंजिल पर पहुंचकर पता चले कि कोई पानी में डूब गया हो। काफी लोगों की भीड़ दिखाई दे पर ढूंढने के बावजूद भी डूबने वाले का पता ना चले। तो हेलो जी, मेरा नाम मयूर है और इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं ऐसी कोई बात कहूंगा जिससे किसी का अपमान हो। तो चलो कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इस कहानी में चार किरदार हैं। कांचा, जिसका हमेशा से एटीट्यूड रहा है कि जो भी हो देखा जाएगा, और ये मंगू मामा, हर कहानी में वो बंदा होता है जो मुसीबत के वक्त सबसे पहले गलती मारता है। मंगू मामा सेम। और ये बोग्याम्बो, हमारी मुसीबत की जड़। कहानी ये है कि मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भाई साहब ने सुबह से नहाया नहीं, बोल रहा था मैं नहाऊंगा तो सीधे डोंगरगांव डैम पे ही जाके नहाऊंगा, अमन नाला भी, और इसी की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। यही कहानी है दोस्त। और चौथा मैं कोई किरदार नहीं हूँ, मैं इस कहानी का नरेटर हूँ। क्या करें, सीन कुछ ऐसे है। जेब में थोड़े से पैसे, कितने पैसे? 40 रुपए? नहीं, 60 रुपए। लोग नॉर्मली सुबह घूमने निकलते और शाम तक वापस आ जाते, पर यहाँ कहानी कुछ और ही है। शाम के 4 बजे है और हम घूमने निकले। हमारे साथ मोटू मामा भी है जो कि अपना बस्ता लेकर अपने गांव निकल रहे हैं। पर यार हम जा कह रहे थे डोंगर गांव, राजूरा से 30 किलोमीटर दूर। मुझे जाने के पहले से 100% पता था कि रास्ते में कहीं ना कहीं तो बारिश गिरेगी ही गिरेगी। और ऐसा नहीं कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम लोगों ने साथ में रेनकोट पकड़ा था और हमने ऐसा कुछ पहना भी नहीं था कि जिससे भीगने पर हमको अफसोस होता। तो हम लोग जा रहे थे और वही हुआ। वरूर पहुंचते ही जोरों की बारिश शुरू हुई और हमने मुसीबत को ब्रेक में बदल दिया। सबने वहां चाय ली और बारिश धीमी होने के बाद हम वहां से आगे निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक गांव में भीड़ दिखी, तो हमें लगा यार कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर कोई झगड़ा वगैरह, और सीरियसली हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। और हमारी असल गलती वहीं पर हुई। और आपके साथ क्या चल पे? सामने जाकर हमारे कुछ दोस्त लोग मिले जो कि डोंगरगांव डैम से आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि यार वहाँ पानी में कोई डूब गया है और पुलिस आकर तहकीकात कर रही है और वो सबको बाहर निकाल रही है, तो अब जाकर भी कुछ फायदा नहीं, वापस लौट जाओ। और तब तक हम लोग विरूर के पेट्रोल पंप तक पहुंच चुके थे। वहाँ बारिश ने हमें रोक कर रखा था और तब तक ये बात हर तरफ फैल भी चुकी थी। पेट्रोल पंप पर आता हर दूसरा इंसान उस एक्सीडेंट की बात कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों फालतू में रिस्क ले, अब यहां आ ही गए हैं तो यही पास में कहीं नाश्ता कर लेते हैं और यहां से वापस घर लौट जाते। लेकिन बोग्याम्बो के एक्सप्रेशन देखकर हमें साफ साफ पता चल रहा था कि भाई साहब नाराज हो गए हैं। तो हमने सोचा कि अब इतने दूर आ ही गए हैं तो दूर से ही बोग्याम्बो को डैम दिखा देते और निकल जाते। तशरीफ सीधी करके हम डैम की तरफ निकल पड़े। पर आप मानो या ना मानो, वो दिन हमारे लिए बहुत ही खराब था। हमारे साथ सारी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो रही थी। बीच सड़क पर जाकर कांचा की गाड़ी पंचर हो गई। पर तकलीफें ना होती तो आज हम यहाँ नहीं होते, मिल जाता सब आसानी से तो आज हम इतने ढीठ भी ना होते। अब हम हल्के में नहीं मानेंगे।
हम डैम पर पहुंच चुके थे। पानी से ज्यादा मुझे पहाड़ के ऊपर वाले बादल आकर्षित कर रहे थे। शुरुआती जगह ने मुझे अमल नाला की याद दिला दी और साथ में मेरे दोस्तों की भी। सोच रहा हूं अगर वो साथ होते तो और भी मजा आता। बोग्याम्बो मुझे सौरव जोशी की कहानी बता रहा है कि मुझसे उम्र में छोटे होकर भी उसने किस तरह ग्रो किया और मुझे आज तक ठीक से कैमरे से बात भी करना नहीं आता। और वो जो क्या बोलते हैं पहाड़ के ऊपर से जो बादल जा रहे हैं ना, वो मुझे असल में पसंद आ रहा है। शायद यही वजह है कि नरेशन का सहारा लेता हूँ और अपनी कहानियां आपको सुनाता हूँ। लगता है यहां आकर बोग्याम्बे से ज्यादा मैं ही खुश हुआ। कांचा और मंगू मामा आगे निकल गए थे और पानी का पीछा करते हुए हम भी चल पड़े। अमल नाला से ज्यादा मुझे ये थोड़ा पसंद है क्योंकि आप देखो, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। जैसे ही हम थोड़ा सामने गए, हमें लोगों की बहुत बड़ी भीड़ नजर आई। पुलिस छानबीन कर रही थी और डूबने वाले का अब तो कोई पता नहीं चला था। ये हमारे लिए थोड़ा डरावना था क्योंकि आप किसी जगह पर घूमने जाते हो और सडनली आपको कुछ ऐसी चीज पता लगती है तो डरना जायज है। हमारी तरह वो लोग भी घूमने आए थे पर पानी की गहराइयों ने उसे नीचे खींच लिया। दो लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की थी, एक को चोट लगी तो दूसरा बेहोश होकर बाहर निकला। पुलिस अब भी उसकी तलाश कर रही है पर पानी का बहाव इतना तेज है कि ढूंढा नहीं जा रहा। कहते उस दिन शाम तक उसका कोई पता नहीं चला और सुबह उसकी लाश मिली। जो इंसान अब नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है यार। कुछ पता नहीं चलता और अगले ही पल सब खत्म। आपका दोस्त बनकर मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आप जहां भी जाओ अपना ख्याल रखो, क्योंकि यार कोई है जो घर पर आपका इंतजार कर रहा है। Thank you.